रेडी स्टार्ट। भारत में न्यायिक सक्रियता ने एक सुरक्षा वॉल्व और इस भावना को बल प्रदान किया कि न्याय आम आदमी की पहुंच में है, जो बेहद महत्वपूर्ण योगदान है इसको न्यायपालिका द्वारा अपनी परंपरागत शक्तियों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। इसको वस्तुतः यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत देश की न्यायपालिका सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंगों विधानमंडल तथा कार्यपालिका से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। इसको यह लोकहित विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य अपरंपरागत किंतु प्रभावी यंत्र है। इसको न्यायिक सक्रियता एक ओर जहां कार्यपालिका की त्रुटियों की द्योतक है, वहीं इससे विधायिका के अनुत्तरदायित्व का भी बोध होता है। इसको पैरा न्यायालयी सक्रियता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छी सूचना की तरह ही है। इसको जिस देश में भ्रष्टाचार ने ही व्यवस्था का एक रूप ले लिया हो, इसको जिस देश में धार्मिक उन्माद के चलते दंगे फसाद आम बात हो, इसको जिस देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद जैसे दुर्गुणों से त्रस्त सभी राजनीतिक दल हो, इसको जहां राष्ट्र के हित को भूलकर स्वहित को अधिक साधा जाए, ऐसे देश में न्यायालयी सक्रियता की आवश्यकता अधिकाधिक है। इसको न्यायालयों द्वारा लोकहित राष्ट्रहित में आगे बढ़कर विधायिकाओं कार्यपालिकाओं से संबंधित प्रश्न किया जाना समाज में व्याप्त किसी अन्याय या अहित को ध्यान में रखते हुए लोकसभा को आदेश देना न्यायपालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला सृजनात्मक कदम है। स्टॉप न्यायालयों द्वारा किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय मुद्दे पर टिप्पणी का अपने अपना अलग महत्व है। स्टॉप यह सभी पक्षों को अपने मामलों को एक बार और परीक्षण करने का संकेत करते हुए विषय को एक नई सकारात्मक दिशा तो प्रदान करती ही है, बल्कि समाज को भी संतुलन प्रदान करती है। स्टॉप पैरा संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी देश है, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका एक सजग प्रहरी की है। स्टॉप भारत के संविधान द्वारा यद्यपि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, तथापि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका की सक्रिय, सजग एवं कर्तव्यपरायण स्थिति व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्ण उचित ही है। इसको भारत में न्यायिक सक्रियता के उदय के रूप में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद को देखा जा सकता है। इस विवाद में यह निर्णय दिया गया है कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसको 24वें संशोधन द्वारा इस निर्णय को बदल दिया गया, किंतु बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा से इसे नया बल प्राप्त हुआ।
स्टो न्याय सक्रियता के विकास में जनहित से संबंधित आश्वासनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। स्टो 1989 में न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ द्वारा A32 के अंतर्गत जनहित याचिका से संबंधित व्यवस्था की गई है। इस्टो बाद में न्यायमूर्ति PN भगवती ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्रों को ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करके न्यायिक सक्रियता को एक नई दिशा प्रदान की। इस्टो पैरा विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा देश की राजनीति प्रशासन एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में व्याप्त सुस्ती भ्रष्टाचार एवं अन्याय के निवारणार्थ ऐसे अनेक निर्णय प्रेषित किए जो कि न्यायिक सक्रियता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप जिन क्षेत्रों में न्यायालयी सक्रियता अधिकाधिक देखी गई है वो है स्वास्थ्य, बाल श्रम, राजनीतिक भ्रष्टाचार, शिक्षा तथा पर्यावरण आदि। स्टॉप ऐसे बहुत से मामलों में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता दिखाई है। उनके कुछ उदाहरण हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा, पंजाब पुलिस, बिहार केयर होम केस और मुंबई में सड़क किनारे रहने वाले लोगों का केस स्टॉप। इन सभी मामलों में न्यायपालिका ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। स्टॉप न्यायिक सक्रियता के दृष्टिकोण से न्यायपालिका द्वारा पेशिक प्रमुख निर्णय है ताज संरक्षण हेतु आगरा एवं मथुरा की औद्योगिक इकाइयों को नोटिस, शहर की स्वच्छता हेतु दिल्ली महानगर पालिका को सफाई हेतु निर्देश, दिल्ली में प्रदूषण की व्याप्त मात्रा को न्यूनतम करने हेतु वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से चलाने हेतु निर्देश, दिल्ली में यमुना किनारे अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने संबंधी निर्देश, चुनाव सुधारों पर सरकार को कारण बताओ नोटिस, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में निर्वाचन आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश आदि। स्टॉप।